अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। आज का व्लॉग करते हैं शुरू और आप दोस्तों से कुछ बातें शेयर करनी थी। काफ़ी दिन से जो मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे, पीछे जो मैंने एक दो व्लॉग अपलोड किए थे वो पुरानी मेरी वीडियो थी, तो थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी और उस वजह से मैं वीडियो आप लोगों के लिए नहीं लेके आ सका था। अभी लोग इतने मुझे ज़्यादा इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं कि ज़हीर भाई, मलेशिया ने क्या वाकई आउट पास ओपन कर दिए हैं। तो मैं अभी काफ़ी टाइम सर्च करने के बाद आप दोस्तों से बात शेयर करने जा रहा हूँ। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अभी जो आउट पास की फ़ीस है वो कितनी है, 500 रिंगिट, वाकई सारे टॉपिक में अभी बात करूँगा आप दोस्तों से। लेकिन इससे पहले मैं आप दोस्तों को बता दूँ, जैसे कि आप 2-3 महीनों से ये न्यूज़ सुन रहे हैं कि मलेशिया ने आउट पास ओपन कर दिए हैं, कुछ लोग बोलते थे 12वें महीने में, जो पिछला साल 2023 गुजरा है, दिसंबर में आउट पास ओपन हो गए हैं। ज़्यादातर ये फेक न्यूज़ जो टिकटॉक पे फैलाई जाती है और टिकटॉक पे ही बताया जाता है, ज़्यादातर लोग टिकटॉक देख रहे होते हैं और वो लोग ये यकीन कर लेते हैं कि वाकई जो बंदा कह रहा है वो सही कह रहा है। लेकिन आप लोगों को ये मैं क्लियर करूं, आप लोगों को मैं ये बता दूं कि मलेशिया इमिग्रेशन ने अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ भी ऐसा नहीं अनाउंसमेंट किया कि हम वाकई 16 फरवरी को या नेक्स्ट मार्च में हम ओपन करने जा रहे हैं, और ना ही अभी तक उन्होंने जो फीस वगैरह के बारे में भी अभी इन्होंने कन्फर्म नहीं किया। कुछ बातें मैं आप दोस्तों से शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि हमें पता चला है कि अभी भी मलेशिया एयरपोर्ट पर जाना है, 500 रिंगिट देनी है और 500 रिंगिट जो फीस है आउट पास की वो दे के हम जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो 500 रिंगिट आउट पास की मलेशिया मतलब एयरपोर्ट पे जब लोग जा रहे थे, ये 2019 और 20 में हुआ था, वो इमिग्रेशन का जो कोरोना का टाइम था, ऑफिस वगैरह बंद थे, इमिग्रेशन में लोग नहीं जा सकते थे क्योंकि उस टाइम कोरोना के टाइम हम खुद 3 महीने रूम में रहे थे, 3 महीने हम बाहर नहीं निकल सके थे, ठीक है। तो उस टाइम इमिग्रेशन ने बोला था कि जो लोग इनलीगल हो चुके हैं या जो उस टाइम इनलीगल लोग हैं, अपने अपनी कंट्री में वापस जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए उन्होंने उस टाइम बहुत अच्छा ऑप्शन रखा था और उस टाइम लोग बहुत ज़्यादा गए थे। 500 रिंगिट इसलिए रखी गई थी कि कोरोना का टाइम था, 3-3 महीने से लोग घरों में बैठे हुए थे। गवर्नमेंट मलेशिया इमिग्रेशन को ये भी पता था कि अभी फ़िलहाल लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि आउट पास की ज़्यादा फीस होने के बावजूद लोग वापस नहीं जा सकते थे। तो उस टाइम उससे पहले कोरोना से पहले जो आउट पास की फ़ीस थी वो 700 से लेकर 900 रिंगिट तक थी। कोरोना के टाइम 500 हुई थी क्योंकि उस टाइम लोग काम नहीं कर रहे थे, उनके लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो मलेशिया इमिग्रेशन ने ऑप्शन रखा था कि आप अपना डॉक्यूमेंट लेके, और उस टाइम कोरोना टेस्ट होता था वो आपने लाजमी करवाना होता था, और टिकट जो होती थी वो कन्फर्म आपने लेनी थी। टिकट लेकर आपने इमिग्रेशन ऑफिस मतलब उधर ही एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने एक काउंटर बनाया हुआ था, वहाँ से आपने 500 रिंगिट देना है और चला जाना है। सिर्फ कोरोना के टाइम भाई, कोरोना के टाइम, कोरोना से पहले जो आउट पास की फ़ीस थी वो 700 से 900 रिंगट तक थी। अभी मैं वापस आता हूँ कि जो अभी आउट पास ओपन हुए हैं कि नहीं हुए, अभी तक मलेशिया इमिग्रेशन ने ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की। हाँ, उन्होंने ये बोला है कि हम आउट पास ओपन करने जा रहे हैं, डेट अभी भी फिक्स उन्होंने नहीं बताई। दूसरी एक और बात, उन्होंने वो सोच रहे हैं कि अभी जो फीस वगैरह है वो कितनी होनी चाहिए, इस पर भी उन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं की। ये भी मैं आप दोस्तों को बता दूं कि उन्होंने अभी तक ये भी डिटेल नहीं बताई कि आपने जो आउट पास का प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट करना है। मतलब जैसे पहले होता था, आपने पहले टाइम लेना होता था इमिग्रेशन से, मतलब कोरोना से पहले आप इमिग्रेशन से टाइम लेते थे, आपका वहाँ फिंगरप्रिंट होते थे, वहाँ आपको ब्लैक लिस्ट किया जाता था कुछ 5 साल के लिए, कुछ 10 साल के लिए, कुछ लोगों को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता था। यहाँ मैं आप दोस्तों का एक और बात बताऊँ, हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट उन लोगों को किया जाता था जो लोग किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड में आ जाते थे, पुलिस रिपोर्ट होती थी, पुलिस रिकॉर्ड में आते थे, जैसे कुछ झगड़ा वगैरह हो गया, कुछ चोरी वगैरह का केस हो गया या कुछ और ऐसे क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता था, उन लोगों को मलेशिया हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर देता था। जो लोग मलेशिया से मतलब इनलीगल होते थे, चाहे वो किसी तरीके से किसी रास्ते से भी आए हों, वो थाईलैंड के बॉर्डर से आए हों, चाहे वो एयरपोर्ट से विजिट वीज़ा पर आए हों, वो इनलीगल हो चुके हों, तो उस टाइम इमिग्रेशन उनको 5 साल के लिए ब्लैक लिस्ट करती थी।
अभी अनाउंसमेंट कुछ ऐसी नहीं हुई और अभी तक मलेशिया गवर्नमेंट ने कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की कि जो लोग अभी आउट पास पर जाएंगे उनको कितना जुर्माना किया जाएगा और उन लोगों को कितने साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। इस पर अभी इमिग्रेशन सोचो विचार कर रही है कि क्या होना चाहिए। और एक बात आप दोस्तों को ये भी बता दूँ कि मलेशिया गवर्नमेंट, मैंने पिछली अपनी 2-3 वीडियो में बताया था कि अभी फ़िलहाल मलेशिया गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा उपरासियाँ कर रही है। मलेशिया इमिग्रेशन यहाँ बहुत ज़्यादा इनलीगल है, सिर्फ अभी उनका माइंड है इनलीगल लोगों को पकड़ो, ठीक है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इमिग्रेशन सबसे पहले लोगों को पकड़ेगी। अभी कितने इस पिछले महीने में बहुत ज़्यादा अपराधियाँ हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग पकड़े थे। अभी ये सोच रहे हैं कि जो लोग पकड़े गए हैं वो तो पकड़े गए हैं, अभी ये सोच रहे हैं कि आउट पास ओपन किए जाएँ और कुछ लोग जो बाकी रह गए हैं आउट पास के थ्रू वापस चले जाएँ। लेकिन यहाँ मैं आप दोस्तों को ये भी बता दूँ, जिस टाइम आउट पास ओपन होंगे तो इमिग्रेशन ये देखे कि कितना लोग इनलीगल मलेशिया में रह चुका है और आउट पास पे कितना लोग चला गया है। उसके बाद इमिग्रेशन एक और भी ऐलान करेगी जो 2023 में लोग इनलीगल हो चुके हैं ना, रखेगी इमिग्रेशन। लेकिन उससे पहले अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी भी फ़िलहाल अपराधियाँ कर रही हैं इमिग्रेशन, दौड़ा अपराधियाँ हो रही हैं। आउट पास की कोई फिक्स डेट इन्होंने ओपन नहीं की, अभी तक कंफर्म नहीं इन्होंने बोला है। पीछे आप हर रोज़ हर वीडियो में हर टिकटॉक पे सुनते रहते थे कि इस तारीख को आउट पास ओपन हो रहे हैं, इस तारीख को आउट पास ओपन हो रहे हैं, लेकिन अभी तक ओपन नहीं हुए थे। अभी भी लोग जो बोल रहे हैं कि इस तारीख को ओपन होंगे, कन्फर्म नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। तो इसलिए मैं आप दोस्तों को बोल रहा हूँ, किसी एजेंट को अभी इस चक्कर में पैसे नहीं देना। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे बोलेंगे यार हमें ज़बान नहीं आती, हमें तरीकाकार नहीं आता, तो वो सहारा लेंगे एजेंटों का। तो खुदारा इन एजेंटों से बचना है आप लोगों ने। दूसरी बात यह है कि जिस टाइम भी कंफर्म होगा तो मलेशिया इमिग्रेशन नोटिफिकेशन जारी करेगी कि हाँ इस तारीख को हम ओपन करने जा रहे हैं आउट पास। आउट पास ओपन होने के बाद वो लिमिट होती है 6 महीने साल तक होती है, उसी के दौरान ही फिंगरप्रिंट ओपन का ऐलान करेगी। क्योंकि मलेशिया इमिग्रेशन को ये गर्ज होती है जो लोग मलेशिया में इनलीगल रह रहे हैं, ताकि वो मलेशिया में रहें, मलेशिया को टैक्स दें, बिना टैक्स के कोई मुल्क भी आपको एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसलिए ये कुछ स्टेप होती हैं हर कंट्री के, वो स्टेप उठाती है फिर वो लास्ट पे, क्योंकि हर कंट्री को हर, क्योंकि हम अभी वीज़े पर हैं तो हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। जो भी किसी भी कंट्री के लोग होते हैं, कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि वो हमारे मुल्क में इनलीगल रह कर यहाँ पैसा कमा के अपनी कंट्रियों में भेजें और हमें कोई फ़ायदा ना हो। इसलिए लोग जो विज़िट पर आती हैं फिर इमिग्रेशन ऑपरेशन करती है, कुछ लोग पकड़े जाते हैं जो बच जाते हैं, फिर आउट पास ओपन होते हैं, आउट पास पे भी जो लोग चले जाते हैं उसमें से भी जो बच जाते हैं लास्ट पे ये फिंगरप्रिंट ओपन करते हैं। तो दोस्तों आपने घबराना नहीं है, जो लोग अभी मलेशिया में रह रहे हैं विज़िट वीज़ा पर आए थे वो सोच रहे हैं कि यार अभी आउट पास ओपन हुए हैं तो हम वापस चले जाते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप वापस चले जाएँ, लेकिन अगर आपने इतना टाइम गुजारा है तो अभी थोड़ा और टाइम सब्र कर जाएं और फिंगरप्रिंट ओपन हो तो 2023 वाले अपने वीज़े लगवा कर अपनी कंट्री जाएं। छुट्टी 1 महीना है, देखते हैं अभी कितनी सच्चाई सामने आती है और वाकई क्या 1 मार्च को ये स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। इसलिए दोस्तों घबराएं नहीं, जो लोग बहुत सारे लोग अभी परेशान हैं कि यार हमारा क्या बनेगा, कुछ भी नहीं होने वाला, थोड़ा और सब्र करें, इंशाल्लाह आपके फिंगरप्रिंट भी होंगे, आप जो लोग आउट पास पर जाना चाहते हैं वापस, वो वापस आउट पास पर भी घर जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा ये छोटी सी वीडियो आप दोस्तों को पसंद आए, अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को रिप्लाई करूंगा कमेंट्स में। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।